सब्सक्राइब कीजिए बंसल न्यूज इंटरनेशनल और दबाइए बेल आइकन हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। चीन से आई कोरोना महामारी दिन ब दिन नए लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है। हमारे देश भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,000 के ऊपर पहुंच गई है। लॉकडाउन की वजह से सारा कामकाज ठप है, जिसकी वजह से दिहाड़ी मजदूरों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। चित्रकूट का भरतकूप क्षेत्र क्रेशर उद्योग के लिए जाना जाता है। पहाड़ों से पत्थर तोड़कर क्रेशर तक पहुंचाने के लिए इस इलाके में हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद हो जाने की वजह से अपने परिवार को पौष्टिक खाना खिलाना अब इन मजदूरों के बूते के बाहर हो गया है। चित्रकूट के समाज सेवी अहमन्यु भाई ने अपने फेसबुक अकाउंट में चित्रकूट के भरतकूप क्षेत्र के बुधनगर बस्ती की गर्भवती महिलाओं को खाने में सिर्फ सूखी रोटी और नमक दिए जाने के संबंध में मार्मिक पोस्ट लिखी थी। बुधनगर है और इस बस्ती ये आदिवासी मजदूर खनिज में काम करने वालों की बस्ती है और अकबरपुर ग्राम पंचायत है। और गुलाब की एक फोन गया था, उसका 14 साल का बेटा जो था वो टीबी का मरीज है। बस उसी संदर्भ से हम यहाँ पर आए और जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ जबरदस्त भुखमरी परिवारों में थी, विशेषकर गर्भवती माताओं और धाती माताओं की हालत और भी खराब थी। तो बस यहाँ की स्टोरीज को हमने फेसबुक में डाली और उसका परिणाम ये रहा कि लोगों ने उसको सुना और कई सारे लोग इस पर यहाँ उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। फेसबुक के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की समस्या की जानकारी पहुंचने के बाद चित्रकूट के समाज सेवी व पत्रकार बुधनगर पहुंचे तो पाया कि इनके पास खाने के नाम पर सरकार द्वारा सस्ते गल्ले की दुकानों से दिए जाने वाले गेहूं और चावल ही रह गया है, जिसकी वजह से मजदूरों का परिवार कुपोषण का शिकार होता जा रहा है। प्रधान संघ चित्रकूट की अध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी और पत्रकार संजय राणा ने बुधनगर बस्ती में गर्भवती महिलाओं को आयरन व कैल्शियम की गोलियां, छुहारा और किशमिश के साथ साथ दूध, दलिया तथा फल वितरित किए। 15 दिन की है, एक एक इसको खाना है और एक इसको खाना है, एक इसको, ठीक है ना, दोनों एक एक खाना है, खाना इनको है। मास्क जरूर मुंह में बांध लगाइएगा, बांधिएगा। और जब मास्क विद्या त्रिपाठी जी, संतोष बंसल जी और भाई संजय सब लोग मिलकर पल दर पल की खुशी के लिए एक छोटा सा, एक छोटी सी पहल की है, शायद ये पहल दूसरे लोगों को पसंद आए। हम क्या कर सकते हैं, हम पल दर पल की खुशी दे दें। हमने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी अभिमन्यु भाई साहब की, उसमें इस अकबरपुर ग्राम का मजरा है ये, यहाँ पर उन्होंने बताया कि कई गर्भवती महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं जिनके बच्चा हुआ और उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो अगर कोई हो तो मदद कर सके कोई समाज सेवी। तो हम लोगों ने पोस्ट पढ़ी और तुरंत हम लोग आज आए हुए हैं। गर्भवती माताओं के लिए छुहारा और किशमिश, दूध, दलिया और अंगूर और उनको विटामिन की टेबलेट लेके हम लोग सब मजरा अकबरपुर में आए हुए और सबको हमने अभी वितरित कर दिया। गोद में छोटे बच्चों वाली माताओं को भी दूध, दलिया और फल बांटे गए। इसलिए बंद रखना है कि कोरोना के कीटाणु आपके नाक, बच्चे हैं इन्हें दूध शायद मिलता हो और ये दूध का एक प्रबंध किया गया, कुछ अंगूर है, कुछ फल है। और मास्क बांधने के बाद दिखाएं, एक प्रयास है हमारे भाई बंसल जी के द्वारा, संजय भाई, दिव्या त्रिपाठी जी, जिन्हों को दूध नहीं मिलता, जो दूध खरीद नहीं सकते, उनके लिए चुपकर्मी से एक छोटा प्रयास है। बच्चों को क्या चाहिए, मास्क बांध ले, मास्क। जिन लोगों ने मास्क ले लिए हैं तो मास्क जरूर बांध ले। बुधनगर पहुंचे समाज सेवियों ने मास्क भी बांटे और लोगों को कोरोना से बचने के उपाय भी समझाए। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा गया। यह एक पोषण है, पोषण का सवाल है, केवल नमक रोटी से बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। इनको एक एक खाना है, एक इससे, एक इससे।
कि सारी गोलियों को खाना है, मास्क लगाना है और डिस्टेंस हमारी जो है वो एक दूसरे के साथ, ये पोषण है, दलिया है और ये दूध है चित्रकूट के समाज की ओर से। भाई बंसल जी का एक प्रयास है, संजय जी का प्रयास है। फेसबुक के माध्यम से या हमारे मित्रों के माध्यम से जब बताया गया कि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं, कुछ धात्री महिलाएं जिनके खाने पीने में बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आज हम दूध, दलिया और विटामिन की गोलियां या अंगूर चौहारा किस्म आज बांटने आए हैं, जो को पाकर इनको और मास्क बांटे गए, सोशल डिस्टेंस के बारे में भी बताया गया है जिसके जरिए इनको जागरूक किया जा सके। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।